यहाँ देखिए सवाल नंबर एक चार खा का, इससे पहले आप का वाला खंड कर चुके हैं। अब इसमें इस चौथे का जो का खंड खा खंड है, इसमें इसको कैसे हल करेंगे? इसमें कह रखा सवाल में कि एक वृत्त दे रखा है, इसकी त्रिज्या नहीं व्यास दे रखा कितना 30 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हम निकाल सकते हैं तो कितनी हो जाएगी 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण जीवा द्वारा दे रखा कितना है 60। हमको इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है? तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे θ/300 × π² - 1/2 r² sin θ। सभी के मान रख दो, थीटा का मान हम जानते हैं 60 है, 360 पाई आप रख दीजिए, r का मान देखिए कितना है, इसमें 3.1 दे रखा है तो पाई का मान 3.14 है तो 3.14 रख दो, r का मान देखिए कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर, और साइन कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 7। इसको कैंसिल करो 6 × 36 अर्थात 1/6, 3.15 × 15² - 1/2 × 15² अंडर रूट, तो साइन 60 होता है इसका मान रखना है 3/2, ठीक है 3.14 लिख लो यहाँ पाई का मान। अब इसमें करना क्या है, 15 का स्क्वायर पहले कॉमन करो, 1/2 भी कॉमन हो रहा है तो देखो यहाँ 1/3 बचा, 7 × 7 = 3.14 बचा, और इधर देखिए -1/2 निकालिए आपने, 15 स्क्वायर निकालिए तो कितना रह गया √3/2। इनको हल कर देना है आपको, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और इधर 3.14/3 और इसका √3 का मान भी दे रखा है कितना 7/3/2। अब इस पूरे दिए हुए मान को हल कर लेंगे, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, बस लिख लीजिए सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के गाखंड में क्या हल करना है हमको, कॉसिक थीटा का मान दे रखा है और टेन थीटा कॉस थीटा का मान पूछा है, तो इसको दो विधि से आप हल कर सकते हो, चाहे तो सर्वसंख्या वाले मेथड से निकाल लीजिए या तो पाइथागोरस में, दोनों माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं। तो इसको सर्वसंख्या से कैसे करेंगे, देखिए इसे कॉसिक है हम जानते हैं, साइन का मान लिखना है तो कॉसिक का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13, मान उलट गया। ऐसे इस सर्वसंख्या को प्रयोग कर लो जिसमें साइन कॉस दोनों हैं, तो पहली सर्वसंख्या होती है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ साइन का मान देखिए 5/13 है और कॉस स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख दो 5/13 का वर्ग कर लो 25/169 हो गया, 169 आप ले जाओ उधर, पक्षांतर कर दीजिए 1 - 25 = 169, कितना बन जाएगा 169 में से 25 घटा दीजिए आप 144/169। अब जब कास का आप मान निकालोगे इधर से आप स्क्वायर हटाइए उधर अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर √144/169, इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो ±12/169, हाँ 13/13। अब जरा समझो, लेकिन आपके जितने अनुपात चल रहे हैं त्रिकोणमितीय के वो सब क्या हैं 0 से 90 के बीच में, समझ गए? तो इसलिए मान इसका हम क्या लेंगे प्लस वाला, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13 प्लस का। आप ध्यान दो, हमको निकालना है टेन का मान, ठीक है,
टेन और सेब की सब संख्या लगा दीजिए आप। हाँ वो भी लगा सकते हो आप। यहाँ आप देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन साइन का मान कितना दे रखा है, कास का मान 12/13 तो कुल मिला के मान आ गया 5/5। इस तरह से मान निकल गया। लिखो इसको। देखिए दिए हुए एक सवाल में आप देखिए 3 + √2 इस संख्या को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। सवाल में पूछा सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, लेकिन हमने मान लिया संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे समझिए, विरोधाभास वाली जो स्थिति है उसके आधार पर इसको हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। परिमेय लेकर चल रहे हैं संख्या को, तो अब क्या करना है, देखो इधर ध्यान से, √2 आप ऐसे लोग दो इसको, तो p/q माइनस का अंडर रूट हाँ दो रोको इधर और उधर क्या हो जाएगा सिर्फ 3। इतना लिख सकते, इसको लिख देंगे √3 नहीं 2 है p/q, इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 3q × q। अभी देखिए इधर दी हुई संख्या इसको आप परिमेय कहोगे, ए भी परिमेय हो जाएगी, लेकिन जो संख्या लिखी है √2 ये कैसी है, ये शुद्ध अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, परंतु p − 3q / q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप सुनो पहले ज्यादा ध्यान से, परिमेय संख्या हो गई, लेकिन किसी भी परिमेय संख्या का मान अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, लेकिन किसी भी परिमेय संख्या का मान अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए जो अवधारणा हम लेकर चले वो कैसी है, गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, असत्य सिद्ध होती है। असत्य है तो हम क्या कहेंगे, 3 + √2 क्या हो जाएगी, एक इसलिए हो जाएगा 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस समीकरण युग्म दे रखा है, इस समीकरण युग्म में क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि दिए हुए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, तो अनेक हल है तो अनेक हल वाली कंडीशन लगाएंगे हम। इससे पहले हमको करना क्या है, a1 b1 c1 के मान लिख लेने, लिख लिए हमने पहले समीकरण में a1 b1 और c1, ऐसे दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 का मान रख लिया। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके लिए कंडीशन हमको क्या लगानी पड़ेगी, देखो a1 / a2 और बराबर b1 / c2 और बराबर नहीं या है बराबर, तीनों बराबर, ठीक है, तीनों जो कंडीशन बराबर होती हैं c1 / c2। इसको एक बार जरा ध्यान से देख लो, अब ज्यादा ध्यान दो सवाल में, ये कंडीशन होती है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सबके मान रखो a1 / a2 का हम जैसे a1 का मान किरण देंगे 12, आप सिर्फ देखें ध्यान दें, सभी के हमने सिर्फ मान रखे हैं, अब क्रम से आप एक एक पद ले लो, दो दो पद, जैसे मान लिया इस पद को हम ले लेंगे बजगुना करें तो k² हो जाएगा, 12 × 3 = 36 जाएंगे, अर्थात k = जब रखेंगे √
इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस छ। ऐसे इस पद को लेके चलना हमको। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के स्क्वायर इनकी इनकी जब आपस में लेके चलेंगे, माइनस के स्क्वायर प्लस के थ्री के और इक्वल में माइनस के थ्री के, माइनस के थ्री के ले आओ आप इधर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस के थ्री के, ये भी इधर आके प्लस का थ्री के, ठीक सिक्स के हो जाएंगे। अगर हम माइनस करके कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा के माइनस सिक्स, ठीक। अब यहाँ से देखो, एक तो के बराबर जीरो आ जाएगा, दूसरा के माइनस सिक्स बराबर जीरो लिखेंगे तो के बराबर आ जाएगा प्लस का छः। ये मान हमको प्राप्त हो गए। अभी हमको तीन मान प्राप्त हुए। हमने आपको पहले बता रखा है जब इस तरह से मान प्राप्त होते हैं तो कौन सा मान हमारा है समीकरण का हल। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको के तीन मान प्राप्त हो रहे हैं, के इक्वल जीरो, माइनस के छः, प्लस छः। अब तीनों मानों में हमारे इस दिए हुए समीकरण को कौन सा संतुष्ट कर रहा है, वही मान इस समीकरण का क्या हल होगा। जैसे देखिए के बराबर आप जीरो रखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ जीरो आएगा तो ये मान कैसा हो जाएगा, अनंत। तो ये तीनों जो तीनों टर्म दे रखे हैं बराबर नहीं आएंगे, इसलिए ये वाला मान हम नहीं लेंगे। जैसे रखे देख लीजिए, जीरो बटे बारह, तीन बटे जीरो और इधर तीन बटे जीरो आ जाएगा। ये मान देखिए बराबर नहीं आ रहा, हाँ देखिए बराबर नहीं है। अगर हम रख रहे हैं माइनस के छः, तो माइनस के छः जैसे हमने जीरो रखा, अब माइनस के छः रख रहे हैं, तो जैसे हम माइनस का छः रखेंगे, माइनस का छः प्लस का छः हो जाएगा माइनस रखने पर, ये वाला पद आपस में देखिए बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी मान हमारा नहीं लिया जाएगा, तो बचा कौन सा हमारा छः, अर्थात के बराबर छः। इसको जब रखेंगे तो पूरा पद हमारा बराबर आ रहा है, तो इसलिए के बराबर छः ही क्या है समीकरण का। अपरिमित रूप से अनेक होने, अनेक मान होने के लिए समीकरण का क्या हो गया मान के का, ठीक है। अब जरा समझो सवाल, इसमें कह रखा था क्वेश्चन नंबर पाँच में का खा खंड है, कहा सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कोई समचतुर्भुज होता है तो उसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को ने बराबर दिखा दिया। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। और समचतुर्भुज में खास बात क्या होती है, इसके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात ए सी बी डी पर लंब भी होगी तथा ओ ए और ओ सी बराबर होंगे, ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होंगे। हमको इतना सिद्ध करना है तो क्रम से देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमने ए ओ बी लिया, इस ए ओ बी में देखिए ए कोण 90 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही लगा दिया हमने। इसके बाद में क्रम से हमने इस त्रिभुज में लगाई पाइथागोरस प्रमेय, इसके बाद में सी ओ डी वाले में, इसके बाद में ए ओ डी वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो चार समीकरण हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन को हम प्लस चार को हम जोड़ लेंगे। तो इधर देखिए इसकी जो एल एच एस है ए बी बी सी सी डी ए डी को जोड़िए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर में, इधर ध्यान देना थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में कर लीजिए। जैसे जब हम इधर वाले पदों को हम जोड़ रहे हैं तो ओ बी और ओ बी देखिए दो जगह आ रहा है तो टू ओ बी हो जाएगा, टू ओ बी स्क्वायर प्लस, ऐसे देखिए ओ ए पहले देख लीजिए ओ ए और ओ ए देखिए दो जगह आया तो टू ओ ए स्क्वायर हो गया प्लस, ऐसे आप देखिए ओ सी देखिए ओ सी और ओ सी दो जगह है तो टू ओ सी स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से टू ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, ओ डी भी तो दो जगह आ रहा है, ओ डी दो जगह आ रहा है, इतना काम हो गया। अब देखो यार ध्यान से ओ बी ओ ए, ओ बी किसके बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है,
है। ऐसे आप देखिए ओसी किसके बराबर है, ओए के बराबर है, है? तो इनके बांध रखेंगे क्रम से हम, यहाँ लिख देंगे आप देखिए टू बी स्क्वायर ओए, ऐसे लिख दीजिए आप ओसी का मान किसके बराबर है, देखिए ओए के है बराबर, तो यहाँ लिख देंगे ओए स्क्वायर। ऐसे ओडी का मान भी ओबी के बराबर है, टू ओबी स्क्वायर हो जाएगा। ओबी ओबी जोड़ो कितने हो गए फोर, ऐसे फोर ओए स्क्वायर। अब क्या करना है, फोर आप कॉमन करो ओबी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर, अगर ना कॉमन करें तब भी हो जाएगा। हम क्या करें, ओबी देखो ओबी किसका आधा है, बीडी का, बीडी का, बीडी का ही तो आधा है, तो हम यहां लिख सकते हैं बीडी अपॉन टू। ओए किसका आधा है देखो एसी का, तो यहां लिख देंगे एसी अपॉन टू, बड़े लगा देंगे लगा हुआ इसलिए, ये बीडी का स्क्वायर बटे चार हो जाएगा, ए एसी का स्क्वायर बटे चार कैंसिल कर दीजिए, अर्थात बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। लिख दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर पांच के गाखंड में इतने इक्वल इतने लाना हमको, ठीक है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो हम इसकी एलएचएस लेकर इसको हल कर रहे हैं, प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अब देखें इधर इस दिए हुए सवाल को आप सबसे पहले साइन कास में बदल लीजिए, तो उधर साइन थीटा अपान में वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ऐसे इसको बटे इसको भी चेंज करो, यहाँ देखिए इसमें कॉस नहीं लिखा हमने, यहाँ चेंज करें तो वन माइनस सब मतलब टेन का और कॉस उसका कॉट का खाली मान रखना है हमको, तो टेन और कॉट का मान होता है साइन और कॉस में उतना। अब देखें यहाँ इनका ले लेंगे आप एलसीएम, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस, अरे इसका मान ये साइन होगा, साइन थीटा अपॉन ये वाला सही लिखा है ठीक। अब इधर देखिए प्लस यहाँ इनका एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए कॉस पहुंचेगा ऊपर गुणा बिल्कुल, और साइन यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही इसमें करना है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाके, इनटू में आएगा बटे में कॉस और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस। देखो यहां से भी एक डायरेक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस हम कॉमन ले लें तो अंदर बदल जाएगा मान, ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों ने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये पद बिल्कुल कॉमन निकाल लो बाहर, वन अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया, अब बड़ी ब्रैकेट लगाओ, इधर रह गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, इधर रह गया है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, इनका फिर से लासा लेना पड़ेगा हमको, तो जब इनका लासा लेना पड़ेगा एक बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया हमने, और इधर देखो साइन घात बन जाएगी तीन और कॉस घात बन जाएगी तीन, साइन घात तीन थीटा कॉस घात तीन थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना पता हो गया। अब यहाँ देखो एक ही घात तीन माइनस बी की घात तीन का लग रहा है फार्मूला, ठीक, तो उस फार्मूले लगा लो, तो फार्मूला हमारे पास जो होता है कि घात तीन बी घात तीन सबको हमने दिखा दिया पहले से ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक है, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस, ये पूरा गुणनफल इससे कट गया, तो सरल समीकरण से इसका मान कितना होगा वन, और इधर आपका देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा मान इसके बटे में जाएगा एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर इसके बटे में चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल एक मान बचा, एक बटे साइन क्या कहलाता है कॉसिक, कॉसिक हो गया, और एक बटे कॉस क्या कहलाता है सेक, तो ये हो गया वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इतना हमको सिद्ध करना था। लिखिए इस दिए हुए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 का ये घाखंड है, इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न में इन आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करिए, तो समांतर माध्य या बहुलक निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए हमको देखिए मध्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे दो, अर्थात 10 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 30 बटे दो, अर्थात कितने हो जाएंगे 15 है, 10-10 का अंतर है, आप जोड़ते जाइए पूरा आ जाएगा, तो 10 जोड़े कितने हो जाएंगे 25 है, ये अगला पद कितना होगा 55 और कितने 65 फिर 75, अब इनकी इन पदों को गुणा कर लेंगे 15 चौक 60, इसी तरह क्या करते जाएंगे पूरा कॉलम हम पूरा कर लेंगे गुणा करके, देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने बताया था पहले इन दोनों पदों की गुणा करके इस वाले कॉलम को पूरा कर लेते हैं, अब इस पूरे कॉलम को जब हमने गुणा करके इस कॉलम को पूरा कर लिया तो इनका योगफल कितना आ रहा है 2110, अब हमको निकालना है माध्य अर्थात समांतर माध्य, समांतर माध्य की साधारण विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई मान सिग्मा एफ आई, इसमें इसका मान आया 2110 और ये देखिए सिग्मा एफ का मान कितना आया 50, अब इनको आप भाग कर दीजिए, भाग करने में जितना आ जाएगा वही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, माध्य निकल जाएगा, अब इसी सवाल में हमको क्या निकालना है बहुलक निकालना है, ठीक है, तो इस सवाल में बहुलक कैसे निकलेगा देखिए जरा, अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है बहुलक, तो बहुलक निकालने देखिए सबसे पहले क्या करते हैं दिए हुए बारंबारता वाले कॉलम को देख लेते हैं, तो सबसे अधिक जो बारंबारता है वही क्या कहलाएगी उस बहुलक की, बहुलक वाली बारंबारता कहलाएगी, तो सबसे अधिक कितनी है 12 है, तो यही बारंबारता जो हो गई ये बहुलक वर्ग की बारंबारता बन गई, इसको हम लिख लेंगे F1, ठीक उसके सामने देखो एक निम्न सीमा है एक उच्च सीमा है, निम्न सीमा वाला कॉलम कहलाएगा L1 और बारंबारता से बहुलक वर्ग की बारंबारता से जो ऊपर बारंबारता होती है उसको लिखते हैं F0 और दूसरे वाले पद को जो दूसरे नीचे लाइन में होती है सेकेंड लाइन में वह कहलाएगी F2, ये दूसरी बारंबारता हो गई, अब यही पर अंतर चाहिए होता है इस फार्मूले को रखने के लिए, इस सूत्र को लगाने के लिए हमको अंतर चाहिए, अंतर देखिए कितना है 10 का, 10 20 30 40 तरह अंतर दे रखा है, तो सभी मान एक बार रख लीजिए, देखिए 11 का मान हमारे पास कितना है 40 है, तो ये 40 लिख देंगे, F1 का मान हमारे पास 12 है और F0 का मान कितना है 10, 2F1 का मान 12 F0 का मान हम 10 रख रहे हैं और F2 का मान कितना रख रहे हैं देखिए 10, ये भी 10 है और गुणा अंतर कितना है 10 का, 10 का अंतर, तो 40 प्लस 2 बटे 12 दूनी 24 माइनस 20 गुणा 10, तो 40 प्लस 2 बटे घटा दो कितने बचेंगे 4 और 10 दो दूनी चार कितने हुए और 2 5 10 अर्थात 40 प्लस 5 तो कितना बहुलक बन गया, बहुलक आ गया 45, तो ये माध्य भी निकल गया और बहुलक भी निकल गया।